अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सजाद नूर है। आज हम लोग लॉगरिथम 9th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 2 की लॉगरिथम चैप्टर है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं शुरू में, वो एग्जांपल्स हम लोग पहले समझ लेते हैं उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इनको हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में करना है और ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर है। इस वाली टर्म को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, तो ऑर्डिनरी इसको नोटेशन बोलेंगे। तो इसको हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास जो डेसिमल है वो अभी यहाँ पर है। ठीक है, डेसिमल को हमको पुट करना है नॉन डिजिट तक, तो हम लोगों को नॉन डिजिट तक लेकर जाना है जो जीरो नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो हम लोग यहाँ पर 4.009, थोड़ा सा मार्कर से एक मिनट लिख लेते हैं, 4.009 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने यहाँ पर ये पॉइंट के बाद 009 क्यों लिखा, इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आ रहा था, इस वजह से मैंने ये लिखा। ठीक है, तो हमारे पास इसके ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जो सेकंड है उसको हम देख लेते हैं। इसको बोला गया है कि साइंटिफिक नोटेशन में कीजिए, तो हम लोग सबसे पहले इसकी वो देख लेते हैं कि हमारे पास डेसिमल यहाँ पर है, हमको यहाँ पर नॉन डिजिट जीरो तक लाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार करने पर हमारे पास आया है, तो हमारे पास क्या चीज आएगी, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितनी बार किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर मैं -6 लगाऊंगा। इसकी आप एक और यहाँ पर तरीका देख लें कि जब हम लोग बड़ी वैल्यू को, जब हम लोग बड़ी वैल्यू को छोटे के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन होगी, जब हम लोग छोटी वैल्यू को बड़ी चीज के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास साइन माइनस आएगी। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ तो इसके एग्जांपल नंबर 1 के अंदर दो ही क्वेश्चन वो थे, एग्जांपल्स थी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2 के अंदर। इसके अंदर हमको बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन ऑर्डिनरी नोटेशन, तो हमारे पास इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दी हुई है। तो हम लोग इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर, हमारे पास क्या चीज आएगी कि हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, 7, 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल था, 1, 2 हो गए, तो हमारे पास कितने जीरो बचे, आप यहाँ पर 4, 0 लगा दें, 1, 2, 3 और 4, 0 आ गए हमारे पास। चलिए फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वो हमारे पास बोला जा रहा है कि इसको हमारे पास साइंटिफिक के अंदर नोटेशन के अंदर लिखें, तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास ऑर्डिनरी के अंदर लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर 5, 2, 4, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम लोगों को माइनस में साइन दी हुई है, तो इस वजह से मैं क्या करूँगा के 0.0005 24, हमारे पास इसका ये आंसर होगा। तो ये चीज़ मैंने इस तरीके से की, ये देखें हमारे पास जो, मैं ये चीज़ पूरी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाए। हमारे पास ये चीज़ दी हुई थी 5.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 0 थे, उसके बाद 5 था, फिर 0.24 था, इस तरीके से आप समझ लें। अब मुझे क्या करना है कि इसको हमें क्या बनाना है, साइंटिफिक बनाना है, ओ सॉरी, हमें इसको ऑर्डिनरी बनाना था, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो मेरे पास 0.0005 24, ये मेरे पास यही आंसर आ रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ हमारे पास आंसर इसका आ गया। तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।